हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माय टारगेट बाय मौर्या सर पे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे एक कंटिन्यूटी एंड डिफ्रेंसिबिलिटी, और इसमें हम लोग प्रश्नावली 5.2 को ही कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें देखिए कि हम लोग स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको हल करना शुरू कर देते हैं। तो देखिए, प्रश्न 1 से 8 में यक्स के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलन कीजिए। इसमें हमने 6 प्रश्न करा रखा है और आज के इस वीडियो में हम 7 और 8 प्रश्न को बताएंगे। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए कि दिया हुआ है कि 2√cot(x)2। तो सबसे पहले कि यहाँ पे यक्स के सापेक्ष अवकलन करना है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि मान लेंगे कि माना ये जो भी हमारा फलन दिया रहता है उसे वाई मान लेते हैं। तो चलिए इसको मान लेते हैं। तो हमने लिख दिया कि माना वाई बराबर √2√cot(x)2। अब देखिए कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि रूट का मतलब क्या होता है, उसका पावर 1/2। तो यह हम इसे अच्छी तरह से लिख लें क्योंकि अवकलन करने में आसान होगा। y बराबर 2 और ये हमने ब्रैकेट दे दिया cot(x)2 का पावर 1/2। ओके, अब लिखेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो चलिए लिख लेते हैं इस बात को भी। तो हमने यहाँ पे लिख दिया यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो चलिए अवकलन का सिंबल लगाते हैं। तो ये हम लिख सकते हैं इसको dy/dx, उसके बाद फिर बराबर का सिंबल देके d/dx लिखने के बाद ये वाला पूरा लिख देंगे। तो 2 फिर क्या हमारा cot(x)2^2 क्या है 1/2। अब देखिए 2 कॉन्स्टेंट है तो 2 बाहर हो जाएगा हमारा, तो हम लोग बाहर कर देंगे। चलिए 2 हमने बाहर कर दिया, फिर d/dx उसके बाद ये पूरा लिख देंगे। तो हमने लिखा cot(x)^2^1/2 हो जाएगा, है ना। अब देखिए कि हम आपको एक फॉर्मूला बताए थे क्या कि dx^n, ये हमने फॉर्मूला आपको बताया था। तो इसको फिर से लर्न कर लीजिए आप कि dx^n यही वाला, ये जब नीचे रहेगा तब, यानी कि जो यहाँ पे यक्स है वही बटा में यक्स रहेगा, तब फॉर्मूला लगेगा हमारा कि ये जो पावर है वो नीचे आ जाता है, फिर यक्स के पावर में से एक घट जाता है वही पावर में से। तो इसी पे हम लोग ये वाला लागू होगा। देखिए अगर मैं इसे यक्स अगर थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए तो इसका पावर क्या हो जाएगा, ये n के रूप का। तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन कब लागू होगा, यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर क्या है dx^n और यही वाला यक्स जो है नीचे है dx है ना, तभी लगेगा वरना नहीं लग पाएगा। तो अब बताइए यहाँ पर कि यहाँ पे तो cot(x)2 है लेकिन नीचे तो नहीं है, तो लाना पड़ेगा तभी तो लगेगा। चलिए ला देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बराबर 2 और d cot(x)^2^1/2 और अपॉन में क्या हो जाएगा d, और यही लिख लेंगे cot(x)2। अब उसके बाद अभी dx नहीं आया तो फिर करेंगे अवकलन, तो फिर ले जाएंगे d cot(x)2 अपॉन क्या हो जाएगा d, अब कोण क्या है हमारा x2, लेकिन फिर भी ये dx नहीं हुआ है, तो अब इसे क्या करेंगे, आगे भी करेंगे है ना। तो dx2/dx, अब देखिए यहाँ पर dx आ गया तो अब रुक जाएंगे है ना। अब देखिए ये फॉर्मूला लगेगा, तो ये 2 तो हमारा है ही, फिर ये 1/2 जो है आ जाएगा नीचे। चलिए ये आ गया नीचे, उसके बाद फिर इसका पावर में से 1/2 में से एक घटेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए कि हमने अभी बताया आपको कि जो पावर होगा वो नीचे आ जाएगा, नीचे आ गया हमारा, उसके बाद जो पावर होता है उसमें से एक घट जाता है ना। तो चलिए यहाँ पे घटा देते हैं हम लोग। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉट उसके बाद x2 है और इसका पावर क्या था 1/2, और इसमें से एक घटा देंगे। उसके बाद अब देखिए d cot(x)^2/dx क्या होता है, dx2 इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला जो होता है हमारा -cosec² x हो जाता है, क्या होता है
तो लिख लेते हैं माइनस कोसेक स्क्वायर, और यक्स के जगह पे क्या है हमारा, तो यक्स स्क्वायर है, तो ये रख देंगे। उसके बाद इसका करेंगे हम लोग, तो फिर लिखेंगे यहाँ पर कि डी, ये 2 चलाएगा पहले नीचे, उसके बाद यक्स में से एक पावर घट जाएगा तो 2x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कि ये 2 से 2 कैंसिल आउट, और ये 2x को पहले कर लेते हैं 2x, उसके बाद ये जब इसका पावर घटेगा तो क्या हो जाएगा, कॉट यक्स स्क्वायर, और ये जब आप भिन्न पर का जोड़ निकालेंगे तो -1/2 आएगा। उसके बाद फिर ये माइनस का पहले चला आएगा, है ना, और ये फिर लिख देंगे कोसेक स्क्वायर, और यक्स के जगह पे क्या है हमारा, यक्स स्क्वायर। ओके, अब इसको अच्छी तरह से लिख लेंगे हम लोग। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि किसी का भी पावर अगर माइनस में रहता है तो वो उसके बटा में होता है। जैसे अगर हम लोग लिखते हैं यहाँ पर कि एक्स इनवर्स, तो इसे क्या लिखते हैं, 1/2 में यक्स। अगर मैं लिखूँ 5 5 इनवर्स, तो इसे क्या लिख सकते हैं, 1/5, है ना। फिर उसके बाद वाई इनवर्स, तो इसे लिख सकते हैं 1/y। तो अब बताइए कि यहाँ पर इसका भी तो पावर क्या है, माइनस में है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 में हो जाएगा। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, फिर लिख सकते हैं हम लोग -2x, और ये क्या लिख सकते हैं, 1/ में कॉट एक्स स्क्वायर का होल पावर क्या है हमारा, 1/2। अब ये पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि नीचे आ गया है। फिर उसके बाद इनटू क्या है, कॉसेक स्क्वायर और x^2। देखिए इसका गुणा यहाँ पे कर देते हैं, तो लिख देंगे हम लोग -2x, और ये कॉसेक स्क्वायर x^2 अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा। अब देखिए ये रूट, ये 1/2 का मतलब होता है रूट, तो रूट दे देंगे, है ना, कॉट यक्स स्क्वायर, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर परफेक्टली। तो उम्मीद है दोस्तों ये समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, अरे सॉरी 7 8 देख लेते हैं हम लोग। तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखेंगे 8। दिया हुआ है कॉस रूट यक्स, तो हम इसे सबसे पहले मान लेंगे कि माना वाई बराबर जो दिया है ना, कॉस रूट यक्स। उसके बाद लिखेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये चीज आपको लिखना है दोस्तों, अवकलन करने पर। उसके बाद अब उसके बाद अवकलन का सिंबल लगा देंगे, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे हम लोग, d और ये cos रूट अंडर x, ओवर क्या हो जाएगा हमारा ये। अब देखिए यहाँ पे कोण क्या है, रूट x, तो यहाँ पे लिखेंगे रूट x। अब इस रूट x का भी होगा डेरिवेटिव, क्योंकि भाई x तो है नहीं, तो रूट x का भी होगा। तो रूट का मतलब क्या होता है, होल पावर 1/2। अब देखिए ये क्या है हमारा, तो नीचे आ जाएगा, यक्स है तो यहाँ पे आएगा dx। अब कंप्लीट। उसके बाद अब देखिए कॉस का क्या हो जाता है, माइनस का साइन यक्स, और ये यक्स की जगह पे हम लोग रूट यक्स लिख देंगे। फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगा, 1/2 बाहर आ जाएगा, क्योंकि हमने बताया था dx^n के रूप का है। और उसके बाद फिर x^2 में से एक घट जाएगा, तो फाइनली क्या हमारा इसका आंसर बन सकता है, तो फाइनली हमारा आंसर बन सकता है ये माइनस का साइन रूट अंडर यक्स, उसके बाद ये 1/2, और ये देखिए इसका पावर क्या हो जाएगा जब इसे हल कीजिएगा तो -1/2। और इसे आप अच्छी तरह से लिखना चाहो तो यहाँ पे थोड़ा सा हम आपको लिख के दिखा दें कि माइनस माइनस। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप कि 1/2 पहले आ जाएगा, उसके बाद देखिए कि ये x^-1/2 है, अभी अभी हमने बताया ये क्या हो जाएगा, 1/ में x^-1/2, और जिसका भी पावर 1/2 होता है तो मीन्स क्या होता है कि रूट के अंदर, है ना।
और फिर क्या है हमारा, फिर हमारा साइन रूट एक्स, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और भी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और किस एक्सरसाइज का आपको सॉल्यूशन चाहिए उसके लिए भी कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक ज़रूर करें, क्योंकि बनाने में बहुत काफ़ी मेहनत लगता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें।